ओके स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5.10 दैट इज़ शो दैट ईएमएफ एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स हैव द सेम यूनिट्स। तो स्टार्ट करते हैं ईएमएफ के यूनिट्स से। ईएमएफ को हम शो करते हैं ई के साथ, ठीक है। इसके यूनिट निकालने हैं अगर, तो हमें पता है कि ये किसके रिस्पेक्ट से जो है वो हमारे पास ईएमएफ के यूनिट्स होते हैं, हम प्रीवियस चैप्टर्स में निकाल चुके हैं। जाउल पर कूलम के इक्वल होता है, यानी हम ईएमएफ को वोल्ट्स में मेजर करते हैं, और वोल्ट जो है यानी वन वोल्ट हमारे पास इक्वल होता है किसके, वन जाउल पर वन कूलम के, ठीक है। तो ये तो हमारे पास सिंपल से आगे ईएमएफ के यूनिट्स। अब हमें देखना है क्या ये ईएमएफ के यूनिट्स मैच करते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के यूनिट से। तो फ्लक्स के यूनिट्स हमने स्टडी किए हुए हैं, वो होते हैं वेबर, और ये है टाइम, इसके यूनिट होते हैं सेकंड। वेबर मजीद जो है वो इक्वल होता है न्यूटन मीटर पर एम्पेयर के। इसको मज़ीद सॉल्व करें तो न्यूटन मीटर को ऊपर रहने दें और एम्पेयर को जब नीचे लेके आएंगे तो माइनस वन से प्लस वन में हो जाएगा, और ये यूनिट्स आए। न्यूटन मीटर जाउल के इक्वल होता है, ठीक है, हम ये ऑलरेडी जानते हैं। और ए और एस ये किसके इक्वल होता है, फॉर्मूला होता है हमारे पास क्यू इज़ इक्वल टू आई टी का। क्यू के यूनिट्स होते हैं कूलम, आई होता है एम्पेयर, और टाइम होता है सेकंड। तो ए एस कूलम के इक्वल है, तो यहाँ से भी हमें जाउल पर कूलम मिला, और ईएमएफ के ओरिजिनल यूनिट्स भी जाउल पर कूलम थे। इसका मतलब है कि दोनों के यूनिट्स जो हैं वो एग्जैक्टली एक दूसरे से सेम होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 15.11। व्हेन इलेक्ट्रिक मोटर सच एन इलेक्ट्रिक ड्रिल इज़ बीइंग यूज्ड, डज इट आल्सो एक्ट एज अ जनरेटर? इफ सो व्हाट इज़ द कॉन्सिक्वेंस ऑफ दिस? यहाँ पे हमें जो है वो क्या पूछा गया है कि एक इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन है, ठीक है, जो कि एक इलेक्ट्रिक मोटर का काम कर रही है, या हमारे पास जो है वो मोटर का काम करती है, तो क्या उस मोटर से हम जो है वो जनरेटर का काम ले सकते हैं? तो इसका आंसर है कि हम बिल्कुल ले सकते हैं, और उसकी वजह क्या है उसको जो है वो हम यहाँ पर स्टडी करते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास ये 15.11। अब अगर आपको मोटर का टॉपिक याद हो तो मोटर के टॉपिक में हमने अपने इस कॉइल को पीछे से क्या प्रोवाइड की थी, इसे एक तो मैग्नेटिक फील्ड में रखा था, और दूसरा हमने इसे पीछे से एक बैटरी प्रोवाइड की थी, जो कि यहाँ से इसको कम्यूटेटर के सेटअप के थ्रू करंट प्रोवाइड करके यूँ आगे मिल रहा था, ठीक है, यहाँ पे अपवर्ड करंट और यहाँ पे डाउनवर्ड करंट। फिर हमने देखा था कि करंट प्रोवाइड करने से फोर्सेस एग्जर्ट होती हैं, और फोर्सेस एग्जर्ट होने की वजह से ये जो आपका कॉइल है ये रोटेट करता है। अब अगर मैकेनिकल यहाँ पे अगर आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हैं तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की वजह से रोटेशन प्रोड्यूस हो रही है, मतलब आपको मैकेनिकल एनर्जी मिल रही, तो मतलब आपका यहाँ पे जो पूरा सेटअप है वो मोटर तो बन गया। अब अगर क्या आप इस मोटर को जनरेटर के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उसका भी आंसर है कि बिल्कुल आप कर सकते हैं। वजह क्या है कि जैसे ही आपका कॉइल इस मैकेनिकल एनर्जी की वजह से घूमेगा, तो घूमने की वजह से इसका फ्लक्स चेंज होगा, और फ्लक्स के चेंज होने से ईएमएफ इंड्यूस्ड होगी, और ईएमएफ इंड्यूस्ड होने से अगेन करंट प्रोड्यूस्ड होगा। लेकिन यहाँ पे जो ईएमएफ प्रोड्यूस्ड हो रही है वो ऑपोजिट होगी एज़ कम्पेयर टू आपकी बैटरी के ईएमएफ की, जिसकी वजह से हम इसको बैक ईएमएफ भी कहते हैं। अब ये जो ईएमएफ जनरेट हो रही है ये क्या है, अगेन इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो हमने देखा कि ड्यू टू रोटेशन हमें अगेन इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल रही है, और यही वर्किंग होती है किस चीज़ के लिए, हमारे जनरेटर्स के लिए। तो बेसिकली यहाँ बैक ईएमएफ का काम ये होता है कि ये हमारी जो भी सर्किट होता है उसको ओवरलोड होने से बचाता है, यानी अगर करंट बहुत ज़्यादा भर जाएगा तो हमारी जो मोटर ये ओवरलोड होकर ख़राब हो सकती है, बर्न हो सकती है। लेकिन जैसे ही करंट यहाँ से भरने की कोशिश करता है तो ईएमएफ अपने इफेक्ट से उस करंट को रिड्यूस करवाती है, जिसकी वजह से हमारी मोटर या जनरेटर्स ओवरलोड नहीं हो सकते। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15.12। Can a DC motor be turned into the DC generator? What changes are required to be done? क्या हम DC motor को DC generator में convert कर सकते हैं? हमें इसके लिए क्या क्या changes जो हैं वो करनी पड़ेंगी? ठीक है, तो DC motor को हम DC generator में convert कर सकते हैं।
इसके लिए चेंजेस क्या क्या चाहिए होती हैं. नंबर वन, डीसी मोटर में हम यूज़ करते हैं यूजुअली इलेक्ट्रोमैग्नेट्स. हमें इलेक्ट्रोमैग्नेट्स को कन्वर्ट करना पड़ेगा परमानेंट मैग्नेट्स में, यानी उसको रिप्लेस करना पड़ेगा, जो कि हम यूज़ करते हैं जनरेटर्स में. सेकेंडली, डीसी मोटर में हम मैकेनिकल सोर्स इस्तेमाल कर, डीसी मोटर को चलाने के लिए हम इलेक्ट्रिकल सोर्स इस्तेमाल करते हैं, जो कि होती है बैटरी. हमें उस बैटरी को रिप्लेस करना पड़ेगा डीसी जनरेटर बनाने के लिए लोड से. यानी यहाँ बैटरी लगाते थे तो डिवाइस घूमती थी, लेकिन डीसी जनरेटर में क्या होता है, एनर्जी मैकेनिकल देते हो तो डिवाइस में करंट प्रोड्यूस होता है जिसे हम लोड तक पहुँचा देते हैं. थर्डली, हमारे पास यहाँ पर क्या चीज़ होती है कि हम जो है वो जब हमें डीसी जनरेटर बनाना होता है तो उसके लिए हमें रोटेट करवाना पड़ता है कि इसको रोटेट द आर्मेचर मैकेनिकली. और वो मैकेनिकल एनर्जी हम प्रोवाइड कर सकते हैं किस तरह से, टर्बाइन से या फिर हैवी इंजन्स के थ्रू. जबकि डीसी मोटर में हमें मैकेनिकल एनर्जी नहीं देनी पड़ती, बैटरी ही अपना काम जो है वो कर लेती है. तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 15.12.